नेक्स्ट टाइम हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड की टनल जो कि हमको मिलफोर्ड साउंड लेके जाएगी. ये बहुत अच्छी टनल है बिकॉज यू नो मैं वैसे तो बहुत टनल्स में गया हूँ, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट टनल आई हैव सीन इन माय लाइफ बिकॉज इसको उन्होंने नेचुरल रखा है, ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं है. दे जस्ट बाइसेक्टेड द माउंटेंस एंड देन दे प्रिपेयर दिस टनल. तो हम आपको दिखाते हैं टनल कैसी है और आप शायद आपको भी अच्छी लगे. तो हम दिखाइए सर, डार्क है यहाँ पे बट कोशिश हमने बहुत की कि लाइट्स ऑन करके प्रॉपर टनल आपको दिखाएं. हमारे कैमरामैन हमारी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको जितना सुंदर दिखाया जा सके उतना सुंदर दिखाएं. अपनी कलाकारी का पूरा प्रदर्शन कर रहे भाई जान वाले हैं. आज के टनल की जो कि देखने में ही अपने आप एक दृश्य बनता है, आपको दिखाते हैं कि क्या दृश्य है. झरने ही झरने हर तरह, मतलब कि अगर मैं गिनने बैठूँ तो मेरी जिंदगी के 2 साल तो गए भैया पक्का इसमें गिनने में. अब आपको दिखाते हैं कि इस प्लेस का रास क्या है ना, खूबसूरती का रास क्या है. अब आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड का ये रिफर्ड साउंड जो प्लेस है इसमें इतने सारे वाटरफॉल्स हैं कि गिनना नामुमकिन है. हर एक पहाड़ से एक वाटरफॉल गिर रहा है, हर एक पहाड़ से. आज सी थोड़ा रफ है, अदरवाइज जब सन निकला होता है तो ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर एवरी एवर सीन इन न्यूजीलैंड. आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए इस वेदर को और बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको सन का नज़ारा. फेमस है इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ पे आके गोल्ड ढूंढ सकते हैं और लकीली अगर आप चाहें तो यू नो पैसे भी कमा सकते हैं. और आपको मैं इंट्री करा रहा हूँ अपने एक दोस्त से जो पंजाब से रहेगा, लकी वीर. तो पढ़ो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का ये लाइफ अब तक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है. Like from last 5 years I am living in North Thailand. Okay. But I will, it's my dream now, I will like settle in South Thailand. South Thailand, you can see we are here at Wanaka and the view is very beautiful. Wanaka, and as you can see that's the only lonely tree which is in the waters. And ye aadmi mujhe 2 kilometers se laake leke aaya, ye ped dikha rahe hai. Sir, view check karo. But this is wonderful. So good morning guys, we are in the ferry at the moment aur ab hum ja rahe hain wapas apna Wellington ki taraf. Is pichle 3 din mein humne kafi enjoy kiya, hum pura Picton se leke apna Milford Sound tak drive karte hue aur fir wapas ghoom ke aaye pura West Coast dekhte hue. Kafi acha experience tha hamara 3 dino mein aur kafi acha maza aaya humko. Friend bani aur ek aur lucky friend hai uske sath hum dono 3 log pura enjoy kiya humne. Kafi acha weather yahan ka New Zealand ka, kabhi kabhi barish ho jati hai बीच में और फिर सन निकल जाता है तो वो तो यू काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी कह सकते हो आपकी वेदर इज डिफरेंट इन न्यूजीलैंड. बट इट्स ऑल्सो अमेजिंग यू नो व्हेन यू कम टू न्यूजीलैंड यू एक्सप्लोर ऑल दिस ब्यूटीफुल टाउन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्चर व्हिच इज गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील व्हेन यू आर इन दिस कंट्री. सो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा अभी जो सीनरी है अभी जब शिप में हम जा रहे हैं तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए. सो जैसे कि आपने देखा कि ये बीचों बीच समुद्र के भी खड़े हैं और तो इसका दृश्य है यू नो इट्स अमेजिंग यू नो इट्स जस्ट आई कैच. More than I can take, you're the fruit that I can.
can taste. You only seek what you can. And when people, when they will come to New Zealand, they will feel how beautiful New Zealand is, you know. And आपको अगर ये वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो भाई लोग लाइक वाइक कर देना और गुस्सा गुस्सा तो कमेंट ही मारते ना, गाड़ी को दे देगा अपन तो दे देना, और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल है नहीं कोई. लखा भी अपना बड़ा ही उत्साहित है साउथ आइलैंड से आके, तो तनु अच्छी दसेंगे और खूबसूरती के बारे इतनी आती बन जाएगी. मतलब और हम विंटर चंद्रोडे पुल जाने वाले लोग कराची के